क्या कहा उन्होंने? कुणियन, कोई अभागई हमारे कुमुद को मना करेगा, वो लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। शाम को बारात लेके आ रहे हैं। कितने लोग आएंगे बारात में? कह रहे थे कि इतने कम समय में ज्यादा लोगों को न्योता तो नहीं भेज सकते, इसलिए सिर्फ घर के लोग और करीबी रिश्तेदार ही आएंगे। कैसे विदा कर पाओगे कुमुद को? इसके साथ जाने वाली थी, और कौन बारात लेकर आ रहा है? न जाने सरस को। नाम मत लो उसका मेरे सामने। कोई और होता तो शायद मैं माफ कर भी देता, लेकिन उसे अपना बेटा समझा था मैं। उसने ऐसी गहरी चोट पहुंचाई कि जो कभी नहीं भर पाएगी। कुणियन, मेरा एक मन कह रहा है कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ। जिसे उसका मोल नहीं, उसके साथ जाने से तो अच्छा है उसके घर जाए, जहां उसका एक लक्ष्मी की तरह स्वागत हो। और देखना, उस घर में मेरी बेटी का वो स्वागत होगा, उसे वो प्यार और सम्मान मिलेगा जिससे वो सब कुछ भूल जाएगी। ये तुम्हारा बनाया हुआ पहला गमला है, इसे मैं खरीदूंगी, क्योंकि बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से बना है। चलो चलो जल्दी से ये अलमारी खाली कर दो। अच्छी, ये पूरी अलमारी मेरी। कुमुद दीदी तो शादी के बाद साड़ी ही पहनेंगी ना? इसका मतलब कुसुम, ये सारे घाघरे हमारे होंगे ना? हाँ। क्यों उसे याद कर रही हो दीदी? मैं अब उसकी वजह से तुम्हें एक भी आंसू नहीं बहाने दूंगी। मेरी आंख में आंसू दिख रहे हैं। सिर्फ उसे ही नहीं, उसकी हर याद को मैं अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी। माचिस ला देगी मुझे। मैं और कुमारी ऊपर छत पर जा रहे हैं, तुम आचिस लेकर आ जा। चल कुमार। क्या कर रही हो दीदी? ये सब क्या है दीदी? दाह संस्कार, उसके और मेरे रिश्ते का अंतिम संस्कार कर रही हूँ। सब कुछ राख हो चुका है, जैसे कभी था ही नहीं।
किस लिए रोना?